मैं शशिभूषण मिश्रा, मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। बहुत दिनों से मैं कुछ आप लोगों को कुछ कहानी नहीं सुना पाया। एक्चुअली मेरा काम कहानी सुनाना नहीं है, मैं अपने विद्यालय ज्ञान निकेतन पटना के लिए 11th क्लास के बच्चों के डिफरेंट चैप्टर्स के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो बनाया करता हूँ। कभी कभी उन्हीं लोगों के लिए फास्टेस्ट ट्रिक्स, तरह तरह का मैजिकल मैथमेटिक्स, तरह तरह का चीज मैं बनाया करता हूँ। लॉकडाउन के पीरियड में मैं मैथमेटिकल स्टोरी कुछ सुना दिया, तो मैं चाहूँगा कि एक दो स्टोरी आप लोग हर एक महीना में सुनते रहें। और उसी का एक पार्ट है, ये उन दिनों की बात है जब देश गुलाम था, बहुत सारे लोग देश पर राज किया करते थे, और उन्हीं दिनों एक व्यापारी था जो पूरे वर्ल्ड में व्यापार करता था और सारे पैसों को इकट्ठा करके सबको डायमंड में कन्वर्ट कर देता था। और इंडिया में ही एक बनाया स्टॉक अपना, वो स्टॉक बनाया और उसके सारे व्यक्ति अपना, उसका एक कंपनी थी, कंपनी के जितने सारे वर्कर थे सब लोग आसपास रहते थे, और इस तरह का एक सिस्टम बनाया। 100 डायमंड को रखा, 20 20 20 20 20, टोटल 60 स्टॉक ऑफ 100 डायमंड्स। और ये कैसे घोटाला होता है उसको देखेंगे, डायमंड घोटाला, सम 4 वेज 60। ये कैसा मशीन लाया उन दिनों कि चारों ओर से 60 ही रीड करता था। अगर कोई व्यक्ति एक भी डायमंड उसका ले ले तो तुरंत पता चल जाएगा, पूरा तेज आवाज में चारों ओर से इंडिकेटर बजने लगेगा, उसका अपना कंपनी का सब आदमी जाकर पकड़ लेगा, उसको जान से मारना है। जाना अलाउड था, आप जा सकते हैं, डायमंड देख सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज करना है परचेज कर लीजिए, लेकिन चुरा नहीं सकते हैं। चुराने पर आपका पकड़ना निश्चित है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन अपने आप बता देगा कि 60 से कम गया। उन्हीं दिनों एक कुशाग्र बुद्धि का लड़का, भारतीय लड़का तेज, वो सोचा कि भारत की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता है। वो अपने माता पिता के साथ घूमने गया था, घूमा देखा बहुत सारा डायमंड है, हम लोगों के देश में बहुत कमी है, गरीबी है। वो क्या किया कि अपना थोड़ा, जैसे ही जैसे बड़ा हुआ थोड़ा दिन में, अपना अकेले गया घूमने के लिए, और क्या किया कि अपना बीच में 30 डायमंड रख दिया, बीच में 30 है, इधर उधर 15 रख दिया, बीच में 30 रखा, इधर उधर 15। तो ये ऑटोमेटिक मशीन अभी भी 60 ही रीड कर रहा है। ऑटोमेटिक मशीन इज रीडिंग 60, कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं से कोई तेज आवाज का साइरन भी नहीं बज रहा है। कंपनी वाले लोग आकर देखे, वो आ गया, खुद अपने भी आ गया वो, अरे यार ये तुम क्या किया छोटा बच्चा, बोला कुछ हम किए हुए नहीं है, 30 15 15 15 सब 60 ही 60 है, अभी भी आपका 60 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं कि 60 है, हम कुछ नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ इसमें बीच में 30 रख दिया है, यहाँ से 5 निकाला यहाँ डाला, यहाँ से 5 निकाला यहाँ डाला, 30 हो गया, फिर यहाँ से 5 निकाला यहाँ डाला, यहाँ से 5 निकाला डाला, तो 30 हो गया, टोटल 60 आपका मेंटेन्ड है। लेकिन इस स्टॉक में बच गया 15 30 45 60 30 90, 10 डायमंड हो गया गायब। 10 डायमंड को लेकर के अपना मस्ती से अपना थैला में लेकर के आता है, अपने भारत के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसका यूज कर करके अपना गरीबी को दूर करता है, फिर दोबारा अटैक करता है फिर से एक बार। इस बार क्या किया कि बीच में रख दिया 40, बीच में 40, 10 10। अब देखिए कि टोटल डायमंड इसका कितना अभी भी है, फिर पकड़ाया, लेकिन कोई मशीन, ऑटोमेटिक मशीन उसका करेक्ट बता रहा था 60 60 60 4 वेज 60, अभी भी 4 वेज 60 ही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, 60 है 4 वेज, तो 60 है तो पकड़ाने कोई बात ही नहीं है। फिर से बोला कि देख लीजिए भाई 60 60 है आपका, लेकिन अब टोटल जो डायमंड है कितना बचा तो देखिए 80 बचा, 10 यहाँ गायब 10 यहाँ गायब, कुल मिला के 20 गायब कर दिया। फिर अपना जो पकड़ाया नहीं, इसका मशीन बताते रह गया 60, फिर अटैक किया और यहाँ पर कर दिया बीच में 50, यहाँ 5 5 रखा, यहाँ भी 5 5 रखा, अब टोटल अभी भी देखिए 60 ही है, वही उसका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर अगेन रीडिंग 60 60, इधर से भी 60, इधर से भी 60, इधर से भी 60 है, इधर से भी 60, थर्ड स्टेप में भी इंडिकेटर 60 ही रीड कर रहा है, और सक्सेसफुली 10 गो और गायब कर दिया और टोटल हो गया यहाँ पर 70, टोटल डायमंड 70 70। उसका स्टॉक धीरे धीरे समाप्त कर रहा है, उसका ऑटोमेटिक मशीन 60 ही बता रहा है, और लास्ट में क्या किया कि बीच में यहाँ रख दिया 60 बस,
बीच में 60 रख दिया, ये नील हो गया। और वो समझा दिया इसमें क्या है, ये सारा 20 यहाँ चला गया तो 60, ये सारा 20 यहाँ चला गया तो 60, ठीक तो है आपका, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टील 60-60 मेंटेन्ड है और यहाँ भी 60 है, 60 में कोई कमी नहीं है आपका, हम कुछ नहीं चुराए हैं, आपका डायमंड 60 है, चार ओर से मशीन 60-60 मशीन को, उसका अद्भुत विश्वास था व्यापारी को। और इस तरह से 40 तब तक धीरे धीरे भारत की स्थिति मजबूत हो गई। अब उसमें इतना ताकत नहीं रहा कि उस बच्चे को पकड़ के उसको पनिश करे। भारत की आर्थिक स्थिति जैसे ही मजबूत हुई, धीरे 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 भारत अपना स्वावलंबी बनते गया। और इस तरह से एक छोटा सा बालक ने उतने बड़े चीटर को धोखा देकर करके अपने गणित के माध्यम से भारत के आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। ये काल्पनिक कहानी, इस पर विश्वास मत कीजिएगा, गणित की सारी कहानी काल्पनिक ही होंगी। थैंक यू, जो जो लोग गणित प्रेमी हैं उनके बीच इसको शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएं। दैट्स ऑल।